हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से दही से मक्खन बनाने का वीडियो। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं दही से मक्खन कैसे बनाते हैं। दही से मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और इसके अंदर अभी हम ये दही डाल देते हैं। और थोड़ा सा दही हमने ये रख दिया है खाने के लिए अलग से। और ये दही वाले बर्तन को अच्छे से धोकर इस पानी को भी हम इस बड़े वाले बर्तन में डाल देते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे ली ये दही बिलोने करने की मशीन और उसी के साथ ही हमने यहाँ पे ये ठंडा पानी डाल दिया है थोड़ा सा। और क्योंकि अभी हम ये गर्मियों में बिलोना कर रहे हैं तो इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। और उसके बाद ये दही से मक्खन बनाने की ये मशीन होती है, इस मशीन को हमने इसके ऊपर रख दिया है। ये कुछ इस तरीके की मशीन होती है, इसको हम इस देगचे के ऊपर इस तरीके से रख देते हैं और इसको पिन को हम प्लग में लगा देते हैं। तो ये मशीन हमारी ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से ये घूम रही है मशीन और ये कुछ ही टाइम में सिर्फ 2 मिनट के अंदर इसका दही का मक्खन बन के तैयार हो जाएगा और एकदम ताज़ा फ्रेश मक्खन बन के ये तैयार होगा। एक बार हम खोल के देख लेते हैं। तो अभी हमारा दही से मक्खन बना नहीं है क्योंकि अभी हमें इसको घूमते हुए 1 मिनट ही हुआ है। तो 1 मिनट तक हम इसको और घुमाएंगे और अभी फाइनली हमारा ये दही से मक्खन बन के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये मक्खन बन के तैयार हुआ है और ये छाछ भी हमारी बहुत सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश ये छाछ है। और इस मशीन के ऊपर जो मक्खन लगा हुआ है इसको भी हम हाथ से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और इस वाले मक्खन को भी हम हाथ से निकाल लेते हैं। तो सारे मक्खन को हम छाछ में ही एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं एकदम ताज़ा फ्रेश मक्खन बनके हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको अभी हम निकाल देते हैं एक बर्तन में और आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश ताज़ा एकदम पीले पीले कलर का हमारा ये गाय के दही का ये मक्खन है, ये हमारा बनके तैयार हुआ है। तो सारे मक्खन को अभी हम एक बर्तन में निकाल देते हैं और इस छाछ के अंदर जो मक्खन के छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको भी हम निकाल देते हैं। और इस तरीके से हमारा ये दही से मक्खन बन के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं एकदम ताज़ा फ्रेश ये मक्खन बन के तैयार हुआ है। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।